आध्यात्मिक सच्चाई हमें अनोखे सफर पर ले जाती है। ये ऐसा सफर है जो आपका जीवन बदल देगा। ये सफर आपको ज्ञान और सुख की सीमा तक ले जाएगा। आध्यात्मिक सच्चाई का ये कार्यक्रम ध्यान और ध्यान के अनुभवों पर बनाया गया है। ये कार्यक्रम आराम से देखिए, देखिए और देखते देखते इसके साथ बहते जाइए। इसका विश्लेषण मत कीजिए, इसमें डूब जाइए। हर विचार को दूर कर दीजिए, गहरी सांस लीजिए, बस देखते रहिए। ये सिर्फ आपके लिए है। इस पूरी सृष्टि के हम एक बहुत छोटे से कण हैं। हम सबकी एक ही खोज है, अच्छा स्वास्थ्य, शांति, ज्ञान, सौभाग्य, शक्ति, मतलब हर समय हर हाल में सुख और शांति की कामना। ये पाने के लिए हर इंसान कड़ी मेहनत करता है, मगर क्या हम इसे पा सकते हैं? जी हां, ये हासिल की जा सकती है। ये सब तभी मुमकिन है जब हम आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझ लें। तो चलिए विश्व शक्ति की हम जानकारी लेते हैं। विश्व शक्ति पूरे विश्व में मौजूद है। इस शक्ति से पूरा तारा पुंज, ग्रह, मनुष्य, परमाणु बंधे हुए हैं। ये हर जगह मौजूद है। इसका बंधन पूरे विश्व को व्यवस्थित रखता है। विश्व शक्ति जीवन शक्ति है, दिव्य शक्ति है। विश्व शक्ति हमारे जिंदगी के संतुलन और चेतना के लिए जरूरी है। विश्व शक्ति हमारी हर क्रिया और काम की नींव है। गहरी नींद और पूरी खामोशी में हमें थोड़ी सी विश्व शक्ति मिलती है। इस शक्ति का हम अपने रोज के दिमागी कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शरीर के हर काम। ये थोड़ी सी शक्ति हमें सोते समय मिलती है, जो इन सब कामों के लिए काफी नहीं है। इसलिए हम थक जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। इससे हम शारीरिक और मानसिक झंझटों में फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा विश्व शक्ति मिलनी जरूरी है। विश्व शक्ति जरूरी है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए, हर काम और मौके से जूझने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए और अंत में अपनी चेतना बढ़ाने के लिए। भरपूर विश्व शक्ति हमें केवल ध्यान से मिलती है।
अचेत ध्यान है, ध्यान सहज नींद है। नींद में हमें थोड़ी सी ही शक्ति मिलती है, ध्यान से भरपूर शक्ति मिलती है। ये शक्ति हमारे शरीर की, दिमाग की और बुद्धि की शक्ति बढ़ाती है। छठी इंद्री उजागर करती है और भी बहुत कुछ। इस ज्ञान से बढ़ी हुई शक्ति से हम बिना तनाव के स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ध्यान हमारी चेतना स्वयं की ओर आने के सिवा कुछ नहीं है। ध्यान से हम जानबूझकर अपने शरीर से दिमाग तक जाते हैं, दिमाग से ज्ञान और ज्ञान से स्वयं की ओर और उससे भी आगे पहुंच जाते हैं। ध्यान करने के लिए हमें अपने शरीर की सारी हरकतों को बंद करना पड़ता है, जैसे शरीर का हिलना, देखना, बोलना और सोचना। ध्यान कैसे करते हैं आइए देखते हैं। रोज 10 रुपए की चाय मतलब 300 रुपए महीना। ध्यान के लिए पहला काम है स्थिति। आप किसी भी तरह बैठ सकते हैं। बैठना आरामदेह और निश्चल होना चाहिए। हम जमीन और कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान हम किसी भी जगह कर सकते हैं जहां हम सुखदायी हों। आराम से बैठिए, पैरों को मोड़िए, उंगलियों को फंसाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अंदर और बाहर की आवाजों पर रोक लगाइए। किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, ढीला, बिल्कुल ढीला। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और अंगुलियों को फंसा लेते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है। आंखें दिमाग के द्वार हैं, इसीलिए आंखें बंद होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण, कोई भी ध्वनियां, अंदर की या बाहर की, मन की क्रियाएं हैं, इसीलिए इन्हें बंद करना होगा। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है, चेतना दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है, मन और बुद्धि। मन विचारों का समूह है। बहुत से विचार हमारे मन में उभरते रहते हैं। जब विचार आते हैं तो प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं, जाने और अनजाने। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप पर ध्यान देना हमारी प्रकृति है। जानबूझकर सांस न लीजिए, जानबूझकर सांस लीजिए न छोड़िए। सांस लेना या छोड़ना अनायास होना चाहिए। प्राकृतिक सांस पर ध्यान दीजिए, ये इसकी व्याख्या है, यही तरीका है।
विचारों का पीछा मत कीजिए। विचार सवाल उनसे चिपक मत जाइए, विचारों को हटा दीजिए, सांस पर पुनः ध्यान दीजिए, प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दीजिए, सांसों में खो जाइए। इसके बाद सांसों की गहराई कम होती जाएगी, धीरे धीरे सांस हल्की और छोटी होती जाएगी। आखिर में सांस बहुत छोटी हो जाएगी और दोनों भावों के बीच में चमक का रूप ले लेगी। इस दशा में हर किसी में न सांस रहेगी न विचार, वो विचारों से परे हो जाएगा। ये दशा कहलाती है निर्मल स्थिति या बिना विचारों की दशा। ये ध्यान की दशा है। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब यह है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है।
जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारी शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं, और जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्म रंध्र में शक्ति बहने लगती है तो हमें सिर में और सारे शरीर में भारीपन लगने लगता है। जब शक्ति हमारे नलियों को साफ करने लगती है तो हमें उस हिस्से में खुजली या दर्द का आभास होता है। कभी कभी हमें भौतिक शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस हो सकता है। इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें दवा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ध्यान करने से ये दर्द दूर हो जाते हैं। ध्यान के द्वारा ज्यादा विश्व संजोने से हम सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करें तो ध्यान की अवस्था साधारण से तिगुनी जल्दी पहुंच जाती है। अब हम ये मालूम करेंगे कि पिरामिड और पिरामिड की शक्ति क्या है। हमारी पृथ्वी ग्रह पर पिरामिड एक मजबूत भवन है जिसको सबसे ज्यादा विश्व शक्ति मिलती है। पिरामिड का कोण 52 डिग्री 51 मिनट है। इस कोण की बदौलत इसे सबसे ज्यादा विश्व शक्ति मिलती है। पिरामिड किसी भी चीज से बनाया जा सकता है। पिरामिड को सही दिशाओं में रखना आवश्यक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। विश्व शक्ति इसके नीचे से एक तिहाई की ऊंचाई पर इकट्ठी होती है। ये जगह शाही कक्ष कहलाता है। शाही कक्ष में सबसे ज्यादा विश्व शक्ति होती है। पिरामिड की शिखा पर एक क्रिस्टल लगाया जाता है। इससे विश्व शक्ति बढ़ती है और पिरामिड के सारे हिस्सों तक पहुंचती है। अगर हम पिरामिड के अंदर ध्यान करें तो निर्मल स्थिति तिगुनी जल्दी प्राप्त होती है।
पिरामिड लोक परलोक से आदान प्रदान के भी काम आता है। पिरामिड के अंदर ध्यान करने से रोग मुक्ति में सहायता मिलती है और ध्यान के सारे अनुभव हो सकते हैं। आइए, अब तक हमने जो समझा है उसे एक बार फिर दोहराते हैं। ध्यान स्वयं की ओर आने की यात्रा है। इसके लिए हमें शरीर को उत्कृष्ट बनाना पड़ता है। आरामदेह तरीके से बैठने से हमारा शरीर शिथिल हो जाता है और चेतना को भावातीत बनाने में सहायता मिलती है। अपनी प्राकृतिक सांसों पर ध्यान देने से हम अपना मन भावातीत बना लेते हैं। जब हमारा शरीर भावातीत हो जाता है तो विश्व शक्ति बहने लगती है। विश्व शक्ति से शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और हम बिना दवाओं के स्वस्थ हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से विश्व शक्ति सारे तनाव दूर कर देती है। जैसे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे, हमारा मन शांत और विशाल होता चला जाएगा। इससे हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हमारी समझ बूझ की शक्ति भी बढ़ेगी और इससे हमारे दूसरों से संबंध बढ़ेंगे। ध्यान से सुखी गृहस्थ जीवन प्राप्त होगा, मन की शांति मिलेगी। ध्यान आपको स्वस्थ और परम आनंदित बनाता है। ध्यान से हमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। ये और इससे ज्यादा पाने के लिए हर दिन ध्यान करना चाहिए। ध्यान किसी भी जगह किया जा सकता है। ध्यान किसी भी समय किया जा सकता है, सफर में भी। एक बार में अपनी उम्र के बराबर समय तक ध्यान करना चाहिए। मिसाल के तौर पर 30 साल के उम्र के व्यक्ति को एक समय में कम से कम 30 मिनटों तक ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के लिए आपको परिवार से दूर रहने की जरूरत नहीं है। हर किसी को ध्यान करना चाहिए। बच्चे सबसे अच्छा ध्यान करते हैं। ये 5 साल की उम्र से ध्यान शुरू कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए आपको किसी गुरु या मास्टर की जरूरत नहीं है। आपका गुरु या मास्टर आपके भीतर है। आपका सांस आपका गुरु है। ये सबके लिए है।
पीएमसी गुजरात पे पीएमसी गुजरात पे आप सभी दर्शकों का सुस्वागतम। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन, आप सभी को मेरा आत्मवंदन प्रणाम नमस्कार। काफी अरसा हुआ आप लोगों से मुलाकात किए और आप लोग भी सोचते होंगे कहाँ चले गए। तो एक्चुअली हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जीजीएम गोली को गोली मारो वर्कशॉप हम लोगों ने 15 दिन का कंडक्ट किया और उसी के साथ में एक नया बहुत बड़ी तब्दीली लोगों के जीवन में आने लगी और उस तब्दीली को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हम अपनी तरफ से तैयारी में जुटे थे। पर बहरहाल आज आज गुरुवार का दिन है, यू आर योर बेस्ट डॉक्टर सीरीज का दिन है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में वापस कनेक्ट किया जाए, काफी सारी बातचीत आप लोगों की सुनी जाए, आपके कई सारे सवाल जो इतने समय से बाकी थे उन सबको आज लिया जाए। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आज एक बहुत बड़ा दिवस है, आज ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का हैप्पी बर्थडे है। तो हम अपनी तरफ से मन ही मन बहुत खुश हैं और अंदर ही अंदर सभी लोग बहुत ही ज्यादा आनंदित भी हैं, लेकिन साथ ही साथ में कुछ ऐसी चीजें जो हमें पीछे धकेलती हैं, जो पीछे खींचती हैं, हमारी मनोवृत्ति से जुड़ी हैं, हमारी मनोवृत्ति से जुड़ी है, क्योंकि जो हमारे मन में चलता है उसका गहन प्रभाव हमारे शरीर पे तो होना ही है। हमारा मन जो हमारे शरीर को चलाता है, गवर्निंग पार्ट है हमारे मन का, तो बहुत जरूरी है कि अगर मन के अंदर कोई गलत बात चली है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हमें आने लगी है तो वो ठीक करने के लिए तो हमें ही अपने मन को रूपांतरित करना पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत जीजीएम के वर्कशॉप में लोगों के साथ में की, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा और खास करके जो पार्टिसिपेंट्स हमारे जुड़े हैं जीजीएम के उनके माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे साथ में 200 से ज्यादा लोग 14 दिन तक जुड़े रहे और उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, शरीर को डिटॉक्स किया, आइडियल डाइट की साइंस को समझा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसकी पूरी जानकारी को उन्होंने इस्तेमाल किया, साथ ही साथ में किस तरह से हमारे मन में हम जब साइंस ऑफ गिविंग को अप्लाई करते हैं कैसे अटैचमेंट से हम लोग छूटते चले जाते हैं, हम अपनी अबंडेंस से जुड़ जाते हैं और हम जानकारी करने लगते हैं कि हम कोई अलग नहीं है, हम सब जुड़े हैं। ध्यान के माध्यम से अभी आप लोगों ने बहुत बढ़िया स्पिरिचुअल रियलिटी के बारे में जानकारी हासिल की, कैसे हम ध्यान करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, कैसे हमारे प्राणमय कोश में पड़ी हुई जो बीमारियां धब्बों के रूप में हैं उसे हम अंत कर सकते हैं। यूं तो ध्यान अपने आप में बहुत ही कारगर साबित होता है, अगर हम इन तीन पोर्शंस पे काम करने के लिए तैयार हो जाएं, अपने फिजिकल बॉडी पे, अपने मन पे और अपनी आत्मा, अपनी डिविनिटी को उजागर करने के लिए ध्यान कर लें, तो ये पर्याप्त है हमें हमारे मंजिल यानी सुखों तक पहुंचाने में। लाइफ विल बिकम अ सेलिब्रेशन एवरी मोमेंट, हर एक क्षण सेलिब्रेशन का क्षण होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई क्षण निकल जाए जिसमें आपको सेलिब्रेशन ना हो। तो ये तो हुई बात खुद के लिए और अपने आप में रूपांतरण लाने के लिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं किस तरह से हमारे भीतर पड़े हुए डर, आत्मग्लानि और शर्मिंदगी से हम आगे आगे बढ़ जाएं, क्योंकि अगर ये कहीं पे हमारे भीतर पड़ा है तो फिर दवाएं काम नहीं करेंगी, फिर डिटॉक्स भी काम नहीं करेगा, क्योंकि जब हमारे अंदर कोई भी ऐसी बात जो बहुत बड़ा प्रभाव डाल देती है तो ये हमारे किसी शरीर के भाग को चोट ना पहुंचाए इसके लिए व्यवस्था की है हमारे अंदर चक्रा सिस्टम की। हमारे 7 चक्र हैं जिसमें 6 चक्र की गिनती में और 7वां सहस्त्रार की स्थिति पे माना जाता है।
जिस तरह की हम अपनी सोच विचार बनाते हैं, जिस तरह से हम अपने अंदर बातों को उतारते हैं, अगर कोई बहुत ज्यादा प्रभावशाली चीज हमारे पे पहुंचती है, जैसे कि डर, कोई डर आ गया तो वो मूलाधार चक्र को ब्लॉक करेगा, वहां का फ्यूज उड़ा देगा, ताकि मूलाधार चक्र से गवर्न होने वाले जो पार्ट्स हैं वहां पे कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारी बॉडी को बचाने के लिए ये जरूरी है। हमारे घरों में भी आप देखेंगे एक मेन फ्यूज होता है और छोटे छोटे फ्यूज हर एक कमरे के होते हैं। अगर एक फ्यूज उड़ जाए तो वहां पे बिजली नहीं जाएगी, जिसकी वजह से समझो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो वो प्रॉब्लम से वो चीजें बच जाएंगी, क्षति नहीं होगी। से फॉर एन इंस्टेंस, आपके लिविंग रूम के अंदर में टीवी चल रहा था और वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने लगी, बहुत बढ़ गई या बहुत घट गई और आपका फ्यूज उड़ गया, आपका लिविंग रूम का फ्यूज उड़ गया, तो वहां पे जो आपका टीवी था वो खराब नहीं होगा, वो बच जाएगा, क्षति से बच जाएगा। वैसा ही हमारे शरीर के अंदर, आप देखिए कितनी सारी बात ऐसी होती है कि झटका लगता है, कई बार ऐसी बात पहुंचती है जिससे बहुत दुख पहुंचता है, बहुत दुख। तो ऐसे दुख वाली बात अनाहत चक्र यहाँ पे आकर के उसका फ्यूज उड़ा देती है, ब्लॉक हो जाता है यहाँ का चक्र, नहीं तो पता चलेगा बार बार हार्ट अटैक ही आ रहा है इंसान को दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो वो अटैक ना आए, उससे वो, उसको क्षति ना हो, उससे वो बच जाए, उसके लिए जरूरी है कि ये चक्रा ब्लॉक हो जाए और वहां की क्षति से उस जगह को बचा ले। डर की वजह से मूलाधार चक्र हमारा ब्लॉक हो जाता है और बचा जाता है हमें बहुत सारी क्षति से। हमारा जो मूलाधार है, ये मूल आधार है, हमारे आधार का फाउंडेशन, हमारी हड्डियां, हमारा मज्जा, बहुत सारे मसल के पोर्शन को गवर्न करता है। अगर डर होगा तो ये कहीं ना कहीं पे जाकर के बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा मूलाधार पे। अगर ये मूलाधार ब्लॉक नहीं होगा तो फिर आगे जाकर के ये बहुत सारी चीजों में गड़बड़ी पैदा करेगा। वैसे ही प्लेजर का सेंटर, प्लेजर यानी कि मौज कराने वाला स्वाधिष्ठान चक्र, जहां से हमारे शरीर में बहुत सारी ऊर्जा उतरती है, जब हमें आत्मग्लानि होती है, हम अपनी स्पाउस के साथ में, हो सकता है अपने पति के साथ या पत्नी के साथ या अपने माता पिता के साथ कुछ ऐसी बात कर बैठते हैं कई बार, और फिर बाद में आत्मग्लानि होती है, क्यों मैंने ऐसा बोल दिया, आई शुड हैव नॉट। वो आत्मग्लानि को छोड़ दो, जाने दो, बातों को छोड़ दो, उनको भी मिल लो, उनके हाथ पकड़ लो, उनसे बात कर लो। बात करने में कोई हर्जा नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, यहाँ तो सब जुड़े हैं, सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, सब एक दूसरे को धकेल रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे आपका जो सोलर प्लेक्सस यानी कि जो आपका मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र में आप देखेंगे तो ये बहुत हमारे को सहायता करता है आगे बढ़ने के लिए। अगर यहाँ पे आत्मशक्ति हमारी ढक जाती है, ब्लॉक हो जाती है बिकॉज ऑफ शेम, कोई शर्मिंदगी हम लोगों को अंदर ही अंदर पकड़ने लगती है, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे मणिपुर चक्र हमारा फ्यूज उड़ जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो वैसे ही सभी चक्रों के साथ में कहीं ना कहीं पे हमारी मनोवृत्ति जुड़ी है, तो अगर आपकी मनोवृत्ति से आपके शरीर पे प्रभाव पड़ा है, तो क्या इस मनोवृत्ति को ठीक करने के लिए आपको खुद ही कदम उठाना है या कोई डॉक्टर काम करेगा, कोई दवाई काम करेगी? कोई डॉक्टर काम नहीं करेगा, कोई अस्पताल काम नहीं करेगा, कोई भी चीज काम नहीं करेगी, आपको ही इस पे काम करना है। मैं आप लोगों को आज 7 चक्रा जो हमारे बॉडी के हैं उसका हीलिंग का गाइडेंस दूंगा। हम लोगों ने जहां जहां उनमें गड़बड़ी की है उसे हम ठीक करने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे, साथ साथ में जहां जहां मैं आपको बोलता रहूं कि आप अंतर्गत मन ही मन में कुछ चीजें
बोलें तो आप जरूर बोलें। मन का भी प्रयोग होगा, हालांकि मेडिटेशन में तो बिल्कुल मन को शून्य किया जाता है, पर जो गड़बड़ी हमने अपने अंदर पहुंचाई है, उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए हम आज अपने मन को इस्तेमाल करेंगे। विजुअलाइजेशन टेक्निक के द्वारा कुछ रंगों का प्रयोग करेंगे। जो रंग हैं वो हमारे भीतर जब उतरते हैं तो ये बहुत गहन प्रभाव डालते हैं, हमारे चक्रों को बैलेंस करने का काम करते हैं। तो हम अलग अलग ऊर्जा को, अलग अलग लाइट एनर्जीज को इनवाइट करेंगे। मैं आपको बताता जाऊंगा, आप वैसा ही, या तो आप शुरू में भी कैसे कह सकते हैं कि जैसा निर्देश दिया जा रहा है वैसा मेरे साथ होना शुरू हो जाए। आइए, हम लोग चाहते हैं कि हमारे 7 जो चक्रास हैं उनकी हीलिंग हो, और जहां जहां ब्लॉकेजेस हैं वो सब ब्लॉकेजेस निकल जाएं। तो अपनी तरफ से आज हम लोग एक पहल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सभी लोग ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं, ध्यानस्थ हो जाएं, जिनको प्यास लगा हो थोड़ा पानी पी लें। मैंने भी पी लिया, आप लोग भी पीना चाहें तो थोड़ा पानी पी लें, इससे बायो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, फैलाने में काम करती है। पानी जो है बायो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म को बढ़ाता है और शरीर के अंदर पहुंचाने में सहायक बनता है। थोड़ा पानी पी लें, अच्छा है, गला भी सूखेगा नहीं और ऊर्जा इतनी सारी उतरेगी आज आपके शरीर में, उसे आप बैलेंस भी करने में सक्षम हो पाएंगे। चलिए, आप अपनी उंगलियों को उंगलियों में फंसा लें, हथेलियों को अपनी गोद में रख लें, पैरों को क्रॉस कर लें और आंखों को बंद कर दें। एकदम आराम से आंखों को बंद कर दें और अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों के साथ में एकत्र करें। हर एक आती हुई श्वास के साथ में अपने भीतर ऊर्जा उतर रही है, प्राण में, कोश में ऊर्जा बढ़ रही है, इसका अपने अंदर चिंतन करें। और हर श्वास को छोड़ने के साथ में हमारा पूरा शरीर रिलैक्स कर रहा है, हमारे शरीर का हर एक भाग पूरी तरह से रिलैक्स कर रहा है, ऐसा चिंतन करेंगे। अनदर डीप इनहलेशन, प्राण में, कोश में ऊर्जा उतर रही है और हर श्वास को छोड़ने से शरीर पूरी तरह से रिलैक्स होता जा रहा है। एक गहरा श्वास भरेंगे, श्वास के छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स करेंगे, अंग प्रत्यंग को रिलैक्स करते चले जाएंगे। और अब अपने सहज स्वाभाविक श्वासों के साथ में जुड़ जाएंगे। अपने सहज स्वाभाविक श्वासों के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारा रूपांतरण आना शुरू होता है। हमारे विचार थमने लगते हैं, हम विचारों से मुक्त स्थिति की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे विचार कम होते हैं, हमारा मन खाली होने लगता है और खाली मन में विश्व ऊर्जा का प्रवाह हमारे भ्रम रंध्र से होना शुरू होता है। बहुत सारी विश्व ऊर्जा हमारे अंदर उतरने लगती है। Thank you.
हम ऊर्जा से भरने लगते हैं। हमारा मूलाधार चक्र जो कि हमारे जिंदगी के लिए हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ये ढका है डर से। किस बात का डर है? क्यों भयभीत हैं हम? जाने दें इस डर को, त्याग कर दें। मन में यह वाक्य दोहराते रहें, मैं शक्तिमान आत्मा हूं, मुझ में शक्ति वर्धक ऊर्जा भरी हुई है, मैं सर्वशक्तिमान और सर्वोच्च सत्ता ईश्वर में समाया हूं। और लाल रंग की ऊर्जा को ब्रह्म रंध्र से शरीर में प्रवाह होने के लिए इनवाइट करें। वी रिक्वेस्ट एंड इनवाइट रेड लाइट एनर्जीज। लाल रंग की ऊर्जा को हम इनवाइट करते हैं हमारे शरीर में प्रवाह करने के लिए। ये लाल रंग की ऊर्जा से अब हमारा मस्तिष्क भर रहा है। हमारी आंखें, हमारा नासिका का भाग, हमारा मुंह, हमारे कान, हमारा पूरा चेहरा लाल रंग की ऊर्जा से भर गया है। ये ऊर्जा हमारे गर्दन के भाग से होती हुई हमारे कंधों, हमारे बाजुओं में फैलती जा रही है। ये लाल ऊर्जा का प्रवाह हमारे हाथों के भाग में हो रहा है। ये लाल ऊर्जा हमारे हृदय, हमारे छाती के भाग में पूरी तरह से समा गई है। और अब ये लाल ऊर्जा हमारे पेट के भाग में, हमारे सभी ऑर्गन्स में पहुंच रही है। हमारे मूलाधार चक्र को व्यवस्थित कर रही है। ये लाल ऊर्जा अब हमारे जननेंद्रियों से होती हुई हमारे जांघों, घुटनों, लातों और पैरों की ओर बढ़ रही है। हमारा पूरा शरीर लाल रंग की ऊर्जा से भरा है। दोहराते रहें, मैं शक्तिमान आत्मा हूं, मुझ में शक्ति वर्धक ऊर्जा भरी हुई है, मैं सर्वशक्तिमान और सर्वोच्च सत्ता ईश्वर में समाया हूं। लाल ऊर्जा हमें ऊर्जावान और गतिशील बनाती है। हमारी मांसपेशियों को हर तरह की कार्बन गैसों से मुक्त कराती है। हमारे शरीर में रक्त संचरण बेहतर बनाती है।
इससे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां बेहतर ढंग से काम करने लगती हैं। इससे हमारे संवेदी तंतु स्वस्थ बने रहते हैं। दोहराते रहें, मैं शक्तिमान आत्मा हूं, मुझ में शक्तिवर्धक ऊर्जा भरी हुई है, मैं सर्वशक्तिमान और सर्वोच्च सत्ता ईश्वर में समाया हूं। और इसके साथ में हमारा मूलाधार चक्र व्यवस्थित हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्वाधिष्ठान चक्र की ओर। ये हमें मौज दिलाता है और ये स्वाधिष्ठान चक्र हमारे आत्मग्लानी से ढका है। क्यों खुद को आत्मग्लानी लेते हो? क्या किसी को सताया है, किसी को दर्द दिया है? क्या आपने अपने माता पिता या अपने पति पत्नी को दुख दिया है? आत्मग्लानी से बाहर आ जाओ। लेट गो, फॉरगिव योरसेल्फ। मैं खुद से क्षमा मांगता हूं और जिनको मेरे कथन से दुख पहुंचा है, मैं उन सबको भी माफी मांगता हूं। बुला लें उन्हें अपने नजदीक ध्यान में, जिनकी वजह से आपको आत्मग्लानी है। उन्हें भी ध्यान के साथ में जोड़ दें। माफी मांग लें उनसे अगर उन्होंने आपको बुरा भला कुछ कहा है और आपको अभी भी आत्मग्लानी है, तो उन्हें भी माफ कर दें। माफी मांग लें और माफ कर दें। खुद को भी आत्मग्लानी से बाहर ले आए, क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र का मात है। आपका स्वाधिष्ठान चक्र ब्लॉक हुआ है आपकी आत्मग्लानी से। We request and invite orange light energy. हम संतरे के रंग की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। We request and invite orange energy. और अब ये ऑरेंज ऊर्जा हमारे भ्रमरंध्र से हमारे शरीर में प्रवाह करना शुरू कर दिया है। हमारा मस्तिष्क, हमारी आंखें ऑरेंज कलर की ऊर्जा से भरना शुरू हो गई हैं। हमारा पूरा चेहरा, हमारे कान, नाक, मुंह, सब जगह पे ऑरेंज ऊर्जा पहुंच रही है। ये ऑरेंज ऊर्जा अब हमारे गर्दन के भाग से होते हुए हमारे कंधों, हमारे बाजुओं और हाथों की ओर बढ़ रही है। हमारा छाती का भाग, हमारा हृदय अब इस ऑरेंज ऊर्जा से भर गया है।
हमारा पेट का भाग और हमारे सारे ऑर्गन्स पूरी तरह से ऑरेंज ऊर्जा से स्रोत-प्रोत हो रहे हैं। हमारी जननेंद्रियों से होते हुए हमारी जांघों, घुटनों, लातों और पैरों की तरफ ये ऑरेंज ऊर्जा बढ़ रही है, बह रही है। हमारा पूरा शरीर इस ऑरेंज ऊर्जा से भर गया है। अपने भीतर दोहराते रहें, मैं पवित्र आत्मा हूं, मुझ में पवित्र आध्यात्मिक ऊर्जा भरी हुई है, मैं पवित्र ऊर्जा के सागर परम ईश्वर में समाया हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मुझ में पवित्र आध्यात्मिक ऊर्जा भरी हुई है, मैं पवित्र ऊर्जा के सागर परम ईश्वर में समाया हुआ हूं। हमारा स्वाधिष्ठान चक्र व्यवस्थित हो रहा है। ये अभ्यास कई वंशानुगत बीमारियों को दूर करता है। इससे त्वचा कोमल और रोग मुक्त हो जाती है। इससे खून साफ होता है और रक्तचाप का खतरा कम होता है। इससे हमारे शरीर का प्रतिरक्षण तंत्र मजबूत होता है। दोहराते रहें, मैं पवित्र आत्मा हूं, मुझ में पवित्र आध्यात्मिक ऊर्जा भरी हुई है, मैं पवित्र ऊर्जा के सागर परम ईश्वर में समाया हूं, और अब हम स्वाधिष्ठान चक्र को व्यवस्थित करके मणिपुर यानी सोलर प्लेक्सस चक्र की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारे आत्म शक्ति के साथ में केंद्रित है। शर्मिंदगी से ढका हुआ है। क्यों शर्मिंदा हैं आप? क्या है आपकी सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स? प्यार, खुद से प्यार करिए। अपने हर हिस्से को स्वीकार करें। अच्छाइयों को भी और बुराइयों को भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। हम मशीनें नहीं हैं, हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं। गलतियां तो होनी ही हैं, स्वीकार कर लें। शर्मिंदगी से बाहर आ जाएं। इस शर्मिंदगी से ही आपका मणिपुर चक्र ढका है, ब्लॉक हुआ है। मन में दोहराते हैं, मैं आनंदपूर्ण आत्मा हूं, मुझ में खुशी और प्रसन्नता भरी हुई है, मैं असीम खुशी और प्रसन्नता के सागर ईश्वर में समाया हूं, वी रिक्वेस्ट एंड इनवाइट येलो एनर्जीज, पीली ऊर्जा अब हमारे भ्रम रंध्र से हमारे शरीर में प्रवाह होना शुरू किया है।
हमारा मस्तिष्क पूरी तरह पीली ऊर्जा से भर गया है। We request and invite yellow energies ये पीली ऊर्जा अब हमारे चेहरे के भाग में पहुंच रही है। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे नाक, हमारे मुंह में प्रवाह कर रही है। हमारे गर्दन के भाग से होती हुई ये पीली ऊर्जा अब हमारे बाजुओं और हमारे कंधों की तरफ बढ़ रही है, हमारे हाथों की ओर बढ़ रही है। हमारा छाती का भाग, हमारा हृदय पूरी तरह से पीली ऊर्जा से भर गया है और अब ये पीली ऊर्जा हमारे पेट के भाग में जा रही है। हमारे सभी ऑर्गन्स को इस पीली ऊर्जा ने भर दिया है। हमारे सोलर प्लेक्सस को पड़ी हुई ब्लॉकेजेस से बाहर निकालने का काम कर रही है ये पीली ऊर्जा। द येलो एनर्जी इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर लेग्स। हमारी जननेंद्रियों से होती हुई ये पीली ऊर्जा अब हमारे जांघों, घुटनों और लातों की ओर और हमारे पैरों में पहुंच रही है। हम पूरी तरह से पीली ऊर्जा से भर चुके हैं। हमारा मणिपुर चक्र व्यवस्थित हो रहा है। मन में दोहराते रहें, मैं आनंद पूर्ण आत्मा हूं, मुझ में खुशी और प्रसन्नता भरी हुई है। मैं असीम खुशी और प्रसन्नता के सागर ईश्वर में समाया हूं। इससे शरीर से अनावश्यक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इससे हृदय दर बढ़ जाती है। इससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। इससे भूख बढ़ जाती है। डायबिटीज और लीवर संबंधी रोगों का उपचार हो जाता है। मन में दोहराते रहें, मैं आनंद पूर्ण आत्मा हूं, मुझ में खुशी और प्रसन्नता भरी हुई है। मैं असीम खुशी और प्रसन्नता के सागर ईश्वर में समाया हूं। मणिपुर चक्र को व्यवस्थित करके अब हम अनाहत चक्र की ओर आगे बढ़ते हैं। अनाहत चक्र जो हमारे प्यार के साथ में संबंधित है और हमारे दुखों से ढका है, लॉक है। अपने सारे दुख अपने सामने निकाल के रख दें। सारे दुख, क्या नुकसान हुआ है आपका, किस लिए आप दुखी हैं, जीवन तो एक रंगमंच है,
आप अपना किरदार निभा रहे हैं। जॉब छूट गई क्या? कोई अपना दोस्त, कोई मित्र छूट गया? कोई करीबी रिश्तेदार या जिसे हम प्यार करते थे वो छूट गया क्या? छोड़ दें ये सब विचारों को, जाने दें। इन्हें न्यू लव एनर्जी से भर दें। लेट अस रिक्वेस्ट एंड इनवाइट ग्रीन एनर्जीज। हम हरे रंग की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं हमारे शरीर में प्रवाह करने के लिए। मन में दोहराते रहें, मैं प्रेम पूर्ण आत्मा हूं, मुझ में प्रेमदायक ऊर्जा भरी हुई है, मैं प्रेम के सागर ईश्वर में समाया हूं। ये हरी ऊर्जा अब हमारे मस्तिष्क में प्रवाह कर रही है। हमारे पूरे चेहरे में ये हरी ऊर्जा बह रही है। हमारी आंखें, हमारी नासिकाएं, हमारा कान और हमारे मुंह में अब ये हरी ऊर्जा पूरी तरह फैल चुकी है, विस्तृत रूप से फैलती चली जा रही है। हमारे चेहरे से हमारे गर्दन की ओर ये हरी ऊर्जा बढ़ रही है। हमारे कंधों की ओर, हमारी बाजुओं से होते हुए हमारे हाथों की ओर हरी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। हमारा छाती का भाग, हमारा हृदय इस हरी ऊर्जा से भर गया है, पूरी तरह भर गया है। और अब ये हरी ऊर्जा हमारे पेट की ओर बढ़ रही है, बह रही है। हमारे सभी अंगों, ऑर्गन्स को भरती हुई, हमारी जननेंद्रियों से गुजरती हुई, हमारे जांघों, घुटनों, लातों और पैरों की ओर ये हरी ऊर्जा बह रही है। हमारे पूरे शरीर को हरी ऊर्जा ने भर दिया है। हमारे अनाहत चक्र को व्यवस्थित कर रही है। मन में दोहराते रहें, मैं प्रेम पूर्ण आत्मा हूं, मुझ में प्रेमदायक ऊर्जा भरी हुई है, मैं प्रेम के सागर ईश्वर में समाया हूं। इससे रक्तचाप नियंत्रण में रहता है, इससे फेफड़ों और हृदय की शक्ति बढ़ जाती है। इससे तंत्रिका तंत्र शांत और ऊर्जावान बना रहता है। इससे थकान दूर हो जाती है और भरपूर नींद आती है। शरीर में नवजीवन का संचार हो जाता है। मन में दोहराते रहें,
मैं प्रेम पूर्ण आत्मा हूँ। मुझ में प्रेमदायक ऊर्जा भरी हुई है। मैं प्रेम के सागर ईश्वर में समाया हूँ। अनाहत चक्र को व्यवस्थित करके अब हम विशुद्धि चक्र की ओर बढ़ते हैं। विशुद्ध चक्र जो कि हमारी साउंड से, हमारी आवाज से पहचान में आता है, उसके साथ में उसका संपर्क है। ये सत्यता के साथ में जुड़ा हुआ है और ढका हुआ है झूठ के कारण से। वो झूठ जो हम अपने आप को सुनाते हैं, दूसरों को बताते हैं, क्यों बोलते हैं खुद से झूठ और दूसरों से? क्या हासिल होने वाला है? सत्यता से जुड़े रहें। खुद की इज्जत करें, प्यार करें, दूसरों को भी इज्जत और प्यार दें। Let us invite sky blue energies। हम आसमानी नीले रंग को आमंत्रित करते हैं हमारे शरीर में प्रवाह करने के लिए। अब ये आसमानी रंग हमारे मस्तिष्क को भर रहा है। मस्तिष्क से हमारी आंखों की ओर, हमारे कान, नाक और मुंह को भरता जा रहा है। हमारा चेहरे का भाग आसमानी ऊर्जा से भर गया है। अब ये ऊर्जा हमारे गर्दन से होती हुई हमारे कंधों की ओर बढ़ रही है। कंधों से हमारी बाजुओं और हाथों की ओर आसमानी ऊर्जा फैल रही है। हमारा हृदय और हमारा छाती का भाग आसमानी ऊर्जा से भर रहा है। ये आसमानी ऊर्जा हमारे पेट के भाग के सभी ऑर्गन्स, सभी अंगों को भर रही है। आसमानी नीले रंग से हमारा विशुद्धि चक्र ठीक हो रहा है। अब ये आसमानी ऊर्जा हमारी जननेंद्रियों से होती हुई हमारी जांघों, घुटनों, लातों और पैरों की ओर बढ़ रही है।
हमारा पूरा शरीर आसमानी रंग की ऊर्जा से भर गया है। मन में दोहराते रहें, मैं शांतिपूर्ण आत्मा हूं, मुझ में शांतिदायक ऊर्जा भरी हुई है, मैं परम शांति के सागर ईश्वर में समाया हूं। मैं शांतिपूर्ण आत्मा हूं, मुझ में शांतिदायक ऊर्जा भरी हुई है, मैं परम शांति के सागर ईश्वर में समाया हूं। इसके अभ्यास से ऊपरी श्वसन तंत्र साफ हो जाता है, रक्त संचरण में सुधार होता है, फेफड़े स्वस्थ बने रहते हैं और शरीर में जोश और शांति का अनुभव होता है। इससे निराशा से छुटकारा मिलता है और मन स्वस्थ बना रहता है। इस अभ्यास से हर तरह की थकान मिट जाती है, हर तरह की थकान मिट जाती है। शरीर के सभी ऊतकों और कोशिकाओं को आराम मिलने लगता है। इससे तनाव दूर हो जाता है। मन में दोहराते रहें, मैं शांतिपूर्ण आत्मा हूं, मुझ में शांतिदायक ऊर्जा भरी हुई है, मैं परम शांति के सागर ईश्वर में समाया हूं। और इसके साथ हमारा विशुद्धि चक्र व्यवस्थित हो रहा है। अब हम आज्ञा चक्र की ओर बढ़ते हैं। आज्ञा चक्र जो हमारी इनसाइट से जुड़ा है, हमारी इंट्यूशंस से जुड़ा है, ये ढका है मोह माया से। और सबसे बड़ा माया है कि हम सब अलग अलग हैं, जबकि हम सब जुड़े हैं, हम सब एक हैं। हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की ऊर्जा से अपने को जोड़ते हैं। We request and invite blue color energies, नीले रंग की ऊर्जा
अब हमारे भ्रमरंध्र से हमारे भीतर प्रवाह करना शुरू कर रही है। हमारा मस्तिष्क का भाग नीली ऊर्जा से भर रहा है। मस्तिष्क से होता हुआ अब हमारा चेहरे का भाग पूरी तरह नीले ऊर्जा से भर रहा है। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे नाक, हमारा मुंह, पूरा चेहरा ब्लू एनर्जी से भर गया है। अब ये नीली ऊर्जा हमारे गर्दन के भाग से होती हुई हमारे कंधों, हमारे बाजुओं और हमारे हाथों की ओर प्रवाह कर रही है। ब्लू एनर्जीज आर नाउ फिलिंग अवर हार्ट एंड अवर चेस्ट एरिया। नीली ऊर्जा से अब हमारा छाती का भाग और हृदय भर रहा है। ये नीली ऊर्जा अब हमारे पेट के भाग के सभी ऑर्गन्स को भर रही है। अब ये ऊर्जा हमारी जननेंद्रियों से होती हुई ये नीली ऊर्जा अब हमारे जांघों, घुटनों, लातों और पैरों की ओर बढ़ रही है। हमारा पूरा शरीर नीली ऊर्जा से भर रहा है। हमारे आज्ञा चक्र को व्यवस्थित कर रहा है। मन में दोहराते रहें, मैं ज्ञान से परिपूर्ण आत्मा हूं, मुझ में ज्ञान का सागर भरा है, मेरा मन सच्चे ज्ञान और बुद्धि से जागृत है, क्योंकि मैं ज्ञान के सागर ईश्वर में समाया हूं। यह मस्तिष्क की गड़बड़ी का उपचार करता है। इससे आत्मिक शक्ति का विकास होता है। इससे तंतु एवं नेत्र रोगों का उपचार होता है। इससे माइग्रेन में राहत मिलती है। इससे नेत्र दृष्टि में सुधार होता है। इससे स्मरण शक्ति एवं मन की शक्ति बढ़ती है। इससे सच एवं झूठ की पहचान करने की क्षमता विकसित होती है, जिससे जीवन संतुलित बना रहता है। मन में दोहराते रहें, मैं ज्ञान से परिपूर्ण आत्मा हूं, मुझ में ज्ञान का सागर भरा है, मेरा मन सच्चे ज्ञान और बुद्धि से जागृत है, क्योंकि मैं ज्ञान के सागर ईश्वर में समाया हूं। और इसके साथ में
आज्ञा चक्र को व्यवस्थित करते हुए हम आगे सहस्त्रार की स्थिति की ओर बढ़ते हैं। सहस्त्रार स्थिति आकाश गंगा से जुड़ी है, जो कॉस्मिक एनर्जी से भी है की है, तो उसका कारण हमारे अंदर आसक्तियां, अटैचमेंट, हमारी अटैचमेंट किस चीज से है? पैसे से, प्रतिष्ठा से, प्यार से, सेक्स से या खाने से? जाने दें इन सभी अटैचमेंट को, छोड़ दें, आसक्तियों से ऊपर आ जाए। सेवा के सिद्धांत को अपने जीवन में शामिल करें। देना ही हमारा सही प्रवृत्ति है। बटोरने से हमारी अटैचमेंट बढ़ती है, देने से आसक्तियों से हम रुपये, प्रतिष्ठा, प्यार, सेक्स और सुराग, सभी अटैचमेंट से ऊपर आना है। आसक्तियों को छोड़ेंगे तभी सहस्त्रार तक पाएंगे, सेवा यहां पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। Let us request and invite violet color energies, बैंगनी रंग की ऊर्जा को हम आमंत्रित करते हैं हमारे शरीर में प्रवाह करने के लिए। ये बैंगनी ऊर्जा अब हमारे मस्तिष्क को भर रही है, हमारी आंखों, नाक, मुंह, कानों के भीतर अब ये बैंगनी ऊर्जा पहुंच रही है। हमारा पूरा चेहरा इस बैंगनी ऊर्जा से भरा है। The violet energy is now moving from our neck, हमारे गर्दन से होती हुई हमारे कंधे की ओर बढ़ रही है और कंधों से, बाजुओं से होती हुई हमारे हाथों की ओर बढ़ रही है ये बैंगनी ऊर्जा। ये बैंगनी ऊर्जा अब हमारे हृदय और हमारे छाती के भाग को भर रही है। हमारे पेट के भाग में सभी ऑर्गन्स को भरती हुई बैंगनी ऊर्जा फैल रही है, विस्तृत रूप से फैल रही है। ये बैंगनी ऊर्जा हमारे सहस्त्रार की स्थिति को व्यवस्थित कर रही है। The violet light energy is now moving towards our sexual organs, हमारी जननेंद्रियों से होती हुई हमारी जांग, घुटनों, टांगों और पैरों की ओर बह रही है
बैंगनी ऊर्जा। हमारा पूरा शरीर वायलेट एनर्जी से भर गया है। मन में दोहराते हैं, मैं परमानंद युक्त आत्मा हूं, मुझ में परमानंद पूर्ण ऊर्जा भरी हुई है, मैं परमानंद के सागर ईश्वर में समाया हूं, मैं परमानंद युक्त आत्मा हूं, मुझ में परमानंद पूर्ण ऊर्जा भरी हुई है, मैं परमानंद के सागर ईश्वर में समाया हूं। इससे मन की शक्ति एवं स्मरण शक्ति का विकास होता है। इससे हार्मोनों का संतुलन बना रहता है। इससे नए हार्मोन बनते हैं। यह अनिद्रा और नींद की अन्य बीमारियों का उपचार करता है। इससे दवाओं के दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। ये हमें ऊर्जावान एवं गतिशील बनाए रखता है। इससे मन में नकारात्मक विचार नहीं आते हैं। मन में दोहराते रहें, मैं परमानंद युक्त आत्मा हूं, मुझ में परमानंद पूर्ण ऊर्जा भरी हुई है, मैं परमानंद के सागर ईश्वर में समाया हूं। पूरे शरीर में आनंद ही आनंद फैल रहा है। परमानंद की अनुभूति हो रही है। और अब हम अपने शरीर में, भौतिक शरीर में पूरी तरह से मौजूद जाएंगे। लास्ट वन मिनट, आखिरी एक मिनट। हम अपने माता पिता का धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रिय गुरु अमरषि पितामह सुभाष पत्री जी का धन्यवाद करते हैं। जन्म से आज तक जिन गुरुओं से हमें शिक्षा मिली, उन सभी का धन्यवाद करते हैं। पंच तत्वों से ब्रह्मांड और हमारा शरीर बना है, उन पंच तत्वों का भी धन्यवाद करते हैं। अपने तन मन आत्मा तीनों का धन्यवाद करते हैं। आखिरी 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। ओके मास्टर्स, अपनी हथेलियां खोल के अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे एक 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। धीमे धीमे अपनी आंखें खोलेंगे
और एक मुस्कुराहट के साथ में अपनी हथेलियों को हटाते हुए वापस पीएमसी गुजरात के मंच से जुड़ जाएंगे। मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं ताकि आप एक बार जोरदार तालियों के साथ में आज के ऊर्जा को बढ़ाने का काम मेरे साथ में करें। नमस्कार सर। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब वापस आ चुके हैं और मैं चाहूंगा कि आप में से जिन लोगों को आज एक्सपीरियंसेस अपने अंदर अनुभूति थोड़ा हिल के देख लें, आपका जो शरीर था उसमें क्या क्या परिवर्तन आपने खुद लाया है, अपने मन की स्थिति को बदल करके अपने सातों चक्रास को आज आपने बैलेंस किया है, ब्लॉकेजेस को हटाने का काम किया है। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस साझा करने के लिए अपने हैंड रेज कर सकते हैं। कोई सवाल, अगर कोई बात आप जानना चाहें, पूछना चाहें, तो डेफिनेटली आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मीना मैडम, आप अनम्यूट करें और बात करें। सर नमस्कार, प्रणाम सर। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो आज हम सभी को पत्री जी सर की बर्थडे बिल्कुल बर्थडे है उनका, पत्री जी सर का आज बर्थडे है। तो मीना मैडम, मैं तो चाहूंगा कि आप कुछ दो लफ्ज उनके लिए जरूर गा के सुनाएं ताकि थोड़ा सेलिब्रेशन का मूड सबका बन जाए। सर अचानक बोल दिया तो कुछ ऐसे ओके ओके सर, दो लाइन मैं सुना दूंगी। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सतगुरु तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया, ओ गंगा मैया मई। सर अभी 17 को हम सब जा रहे हैं तो मुझे तो वही गंगा जी और गंगा जी का किनारा और पत्री जी सर और वही सब माहौल मुझे तो नजर आ रहा है। ऋषिकेश, वी आर कमिंग, वी ऑल आर कमिंग। यस यस सर। सर आज का मेडिटेशन, मैं एक्चुअली मेडिटेशन कर रही थी पर अकेली कर रही थी, जुड़ नहीं रही थी सेशन में, पर जैसे इतना वीक फील कर रही थी अपने आप को तो वो आज एनर्जी वापस थोड़ी थोड़ी फील कर पाई हूँ। चलिए, आपकी ऊर्जा बड़ी अच्छी बात है, आपको फायदा होना चाहिए। हाँ, फायदा तो 100% होना ही है। एक तो पिरामिड की ऊर्जा और एक जो आपने ध्यान करवाया आज जो सारे चक्रों का, तो उससे भी अंदरूनी ना कुछ हिलता डुलता सा नजर आ रहा था। जैसे जैसे स्वाधिष्ठान चक्र बोला, आज्ञा चक्र बोला, तो वहां कुछ फील हो रहा था। तो ऐसे लग रहा था कि हाँ, वो एनर्जी हमारे अंदर इकट्ठी हुई है, वो रोटेट हो रही है पूरी बॉडी में। yes. तो बहुत अच्छा लग रहा था सर। और बाकी तो कोई जवाब ही नहीं है। और आज का जो मेडिटेशन आपने जो करवाया, गाइडेड मेडिटेशन, वो बहुत ही अच्छा है। सुपर सर, सुपर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मीना जी, होता क्या है कि जब हम ग्रुप की ऊर्जा के साथ में जुड़ते हैं और खास करके हम अपने मन के सहारे से अपनी ऊर्जा को व्यवस्थित करने में जुट जाते हैं। देखिए ना, आपने बताया कुछ हो रहा था आज्ञा चक्र में, कुछ विशुद्धि चक्र में, तो ये जो हो रहा था, ये रूपांतरण हो रहा था, हमारे मन का जो प्रभाव पड़ता है, 90% बीमारियां
यहाँ तक कि हमें थकान आती है, हमें तनाव होता है, ये सारे मन के ही दुष्प्रभाव हैं। जब हम अपने मन को सही करते हैं और ऊर्जा से जुड़ते हैं, तो जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाती है, हमारे अंदर तब्दीली, परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो ये परिवर्तन ही आपने, और आखिर में तो सभी लोगों को आनंद विभोर होता हुआ, क्योंकि सहस्त्रार्थ तक बात पहुंची है। पर हाँ, इसके लिए सभी लोगों को सेवा तो करनी ही पड़ेगी, जिस तरह से आप भी करते हैं पीएमसी गुजरात में सेवा। थैंक यू सो मच मीना जी, आपकी सेवाओं से हमेशा पीएमसी गुजरात महिलाएं। बहुत कुछ करना है सर, बहुत कुछ करना है। कल ना डॉक्टर रंजन सर ने बोला था कि कुछ भी बोलो कि कब तक, कब करना है आपको, 10 जन्म के बाद करना है ऐसा बोलो, इसी साल करना है, इसी जन्म में करना है, पर कुछ भी बोलो। सर वो मेरे मुंह से क्यों नहीं निकल रहा है? मुझे अभी ना रामराजी सर आए थे, हम लोग साथ में मिले थे उनसे, तो सर ने भी यही बोला कि आपको एक कुछ एम तो बनाना ही होगा। मेरा क्या है, जैसे मैं चल रही हूँ, लेकिन कुछ मैंने ऐसे सोचा नहीं है कि मुझे 2 साल में ये करना है, या 5 साल में ये करना है, या अगले जन्म में करना है, या इस जन्म में करना है। तो सर इसको थोड़ा सा और खोलकर बताइए आप, क्योंकि अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि देखिए, दोनों मास्टर्स ने मुझे ये बोला कि ये आपका एक एम तो होना चाहिए कि आपको कब क्या करना है, तो वो मुझे ना क्लिक हो रहा है बार बार, मीना जी, और वो ऐसा है मुझे कि आपके हाँ अंदर जहां पे जाकर के वो बात क्लिक कर रही है ना, वो आपकी अंतरात्मा है जो आपको झिझोड़ रही है, जो बारंबार आपको बता रही है कि आपका मेन पर्पस लाइफ का सेवा करना है। यस सर सेवा में अगर आप देखेंगे तो भोजन से सेवा होती है, अन्नदान उत्तम दान कहा गया है, वस्त्र दान भी एक उत्तम दान का तरीका है। हम आनंद लाते हैं पैसे से, तो आनंद अगर दे दिया जाए, जिन सुखों से हम अपने आप को लहलहाते हैं, बटोरते हैं, अगर दे दिए जाएं, तो अटैचमेंट खत्म होती है, जो आसक्तियां हैं वो खत्म होने लगती हैं। भोजन से भोजन दे दें, पैसे से पैसा दे दें, कपड़े से कपड़ा दे दें, समय से समय दे दें, और ज्ञान से देने पे कभी कम नहीं होता। यूं तो कहा गया है कि कोई भी चीज आप देते हैं तो वो घर दी जाती है, कभी कम नहीं पड़ती है। यस और हम आध्यात्मिक सभी लोग यहाँ जुड़े हैं, तो ये सर्वोच्च सेवा में गिना जाता है, आध्यात्मिक सेवा। सर आप तो ऑलरेडी सब लोगों तक पिरामिड्स पहुंचाने का एक बहुत बड़ा काम करती हैं, तो आपकी सेवाएं बहुत बहुत अच्छी हैं, और सभी लोगों को ये अध्यात्म तो में आपने आगे ले बुला जाने लिया में। और आपने ये सेवा दे दी है, तो थैंक यू है सर आपको कि हम कर पा रहे हैं, और और बहुत आगे ही बढ़ते जाना है, आपका ज्ञान जितना है हाँ उसे आगे बढ़ाते जाइए, बताते जाइए, लोगों तक पहुंचाते, जैसा भी जो भी तरीका, माध्यम, आप माध्यम बने हैं आध्यात्मिक सेवा के लिए, तो आपको हमेशा प्रफुल्लित ही रहना है। यस सर आपका साथ है तो फिर बढ़ पाएंगे आगे, कहीं ना पीछे रुकने वाला काम ही नहीं है सर। थैंक यू सो मच मीना थैंक मैडम। यू सर, यस, थैंक यू आपका, यस सर, थैंक यू। रेडमी वीजी, आप अनम्यूट करें, बात करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बहुत मतलब मिस किया, एक किस्म से ऐसे लग रहा था कि सर पता नहीं ठीक है नहीं है, पता नहीं सर गए कब। मैं तो ऐसे यही सोच रही थी, मेरे को बीच में दिवाली के एक दिन बाद ध्यान आया ये सर तो दिखी थी ना, पता नहीं सर ठीक है नहीं है। मतलब एक तो सबसे पहले मैंने आपको बहुत मिस किया इस चीज में, एंड सेकेंडली सर आज की जो मेडिटेशन थी इट वॉज समथिंग माइंड ब्लोइंग। मतलब मेरे को खुद महसूस मतलब होश ही नहीं रही बीच में, मेरे को तो पता ही नहीं चला मैं वापस आऊं नहीं आऊं, मुझे ऐसा अजीब सा लग रहा था जब आपने एंड में बोला कि वापस आओ अपनी बॉडी में, तो इट वॉज समथिंग माइंड मतलब मैं ऐसे थी कि मैं कहाँ पे हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था ऊपर तक पहुंचते पहुंचते। एंड मतलब मेरे को ना काफी ज्यादा से मेरे को क्वेश्चन पूछना है आपसे। हेलो बोलिए मैडम, पूछिए मैडम। सर मुझे ना एक्चुअली मतलब मेरा पहले मैंने आपको मैं मतलब मैं के अराउंड से मैं आपको फॉलो अप कर रही हूँ। मेरे को ना एक्चुअली हेल्थ में प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को ना काफी ज्यादा बर्पिंग होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो मुझे
तो मैंने उसमें आपका 21 डेज वाला भी किया था, मैं आपकी पूरी डाइट जो है वो बीच में फॉलो अप करी थी, पर दिवाली के बीच में ना थोड़ा भी मेरा डाइट जो है वो पीछे मतलब हाँ मतलब 15-20 डेज से ऊपर नीचे हो गई दिवाली एंड सब आया, तो सर उसे आप भी नहीं मिले और उसे मेरी हेल्थ भी पूरी होगी, मेडिटेशन भी मेरा काइंड ऑफ छूट गया और मेरी हेल्थ भी, अब मेरा बहुत बुरा आज मतलब मेडिटेशन करने से, ये वाली मेडिटेशन करने से पहले मेरा ये हाल था कि मेरे को चेस्ट में जो है सर इतनी पेन है कोई कहने की बात नहीं, ऐसे मतलब इतनी गैस हो रही है कि वो बर्ब्स पे बर्ब्स निकले जा रहे हैं, तो मतलब मैं मेरे को तो समझ ही ना, मैं मतलब आपको मैंने तो मेरे अब आपको मेरे को यही पूछना है कि सर मैं क्या करूं, मैं डाइट मैंने प्रॉपर उसको फिर से फॉलो करना 2-3 दिन से स्टार्ट कर दिया डाइट का आपकी फॉलो अप करने का, तो अब मैं उसको आगे सर कैसे करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने खुद ही बता दिया कि आपने डाइट को फॉलो करना शुरू कर दिया है, ध्यान ध्यान करके कुछ फर्क पड़ा आज आपने ध्यान सर, किया आज तो मतलब मैंने जो आज मैंने सुबह ध्यान कल किया था थोड़ा सा, क्योंकि ध्यान भी नहीं हो रहा था, इतनी बुरी हालत हो रही थी कि बैठा ही नहीं जा रहा था, बट आज मैंने ठाना अब सर ने कह रहा है तो बस करते हैं, तो मैंने आज ये वाला जो आपका भी सेशन किया उसके बाद से भी मुझे स्लाइटली बेटर लग रहा है, बेटर ही होना है पर मुझे समझ वही मुझे समझ नहीं आया ना, तो मेरे को लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया, आपके अंदर काफी चेंजेस आ गए हैं, मतलब काफी वेट वगैरह कम किया सब कुछ किया आप, मतलब मेरे खुद के अंदर एक ना पॉजिटिविटी, मैं एक मतलब कुछ काटना है पौधे को मेरे से, मतलब आज होता कि जैसे उसको काटते हैं लेमन को काटना था ट्री से, तो मेरे से वो भी नहीं हुआ कि मैं पेड़ से उसको काटू, मुझे अंदर से हो रहा था क्यों उसको कष्ट पहुंचाना है, तो मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था उसको उतारने का, पता नहीं क्या हो रहा था, बट सर ये चीज मुझे हेल्थ का हो गया, फिर से हेल्थ ठीक हो गई थी मेरी, काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई थी, पर फिर से वो खराब हो गई सर, अब इसका मुझे बताओ कि इसमें क्या करूं मैं। देखो, 3 क्षेत्र पे काम करने की बहुत जरूरत है, अगर कहीं पे भी सेहत बिगड़ती है। जी सर, होलिस्टिक हीलिंग के अंतर्गत जब हम बातचीत करते हैं तो सबसे पहले तो शरीर को डिटॉक्स, ठीक जिसमें है, आप एनीमा का प्रयोग करें सुबह शाम दोनों समय, ठीक है, प्लेन वाटर का एनीमा, जी 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 बिल्कुल सर, वमन 1 हफ्ता कर लें, ठीक है, खाली पेट सुबह में, जी जी बिल्कुल सर, नमक सॉल्ट डाल के ना, अगर बीपी की शिकायत ना हो तो नमक का प्रयोग कर लिया जाए। सर मुझे लो बीपी बीच बीच में रहता है ऐसे नॉर्मली, अभी तो ठीक है पत्ता वाला, नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लो बीपी के केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं, नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है सर। वेट पैक का इस्तेमाल सिर पे, गर्दन पे और पेट पे, ठीक है, ये वेट पैक 3 पट्टियां जो हैं इन्हें आप ठंडे पानी से, जो मटके का ठंडा पानी, बहुत ठंडा कोल्ड वाटर नहीं लेना है, और खास करके दिन के उस समय में जब बहुत ठंडी ना हो, ठीक है, अगर वन टाइम इन अ डे, अभी क्योंकि मौसम बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें खास करके रात को मत लगाएं क्योंकि रात के समय ठंडा हो जाता है मौसम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिन के समय में आप वेट पैक लगाएंगे तो इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन, जब 2 तरह का तापमान शरीर का बनता है, ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा, तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने लगता है और टॉक्सिन्स छोड़ने लगता है, ब्लड में से बाहर आने लगते हैं, ठीक है सर, तो ये तो हो गया डिटॉक्स का तरीका, बिल्कुल बिल्कुल। खाने के अंदर में आप आइडियल डाइट, दिन की शुरुआत जो है आप लगभग 10 बजे आसपास अगर करते हैं तो रात को 8 बजे अपने दिन को अंत जरूर करें खाने के बाद। जी जी बिल्कुल सर, जी 14 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको आकाश तत्व पूरा पहुंचाएगा। जी सर, पत्तियों का रस, और अभी आजकल आंवला भी आना शुरू हुआ है, तो अगर आप 2 आंवले डाल सकें, 2 या 3 आंवले डिपेंडिंग ऑन साइज, ठीक है सर, पत्तियां ले लें, धनिया पुदीना पालक जितनी पत्तियां आपको मिल सके, 100 ग्राम के आसपास एक इंसान के लिए, ठीक है सर, और इसका रस बना करके आप 10 बजे ले लें, ठीक है, ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, फुल ऑफ एनर्जी है, नया खून बनेगा और आपके ब्लड में मिनरल्स बहुत प्रचुर मात्रा में पहुंच पाएंगे। जी बिल्कुल सर, तो ये आपकी जो सुस्ती है उसको उड़ा देगा, आप देखेंगे हमारे सभी देवताओं का जो भोग है वो पत्तियों से पहले लगता है। जी जी जी, गणपति जी का भोग जो है वो ध्रुवा घास से, विष्णु जी का तुलसी से, और महेश जी का बेल पत्र से, तो पत्तियों का सेवन तो हमें भी करना है। सर एक चीज पूछनी है, जैसे पत्ती में ना हमारे यहाँ पे धनिया ना आ नहीं रहा है,
तो पुदीना आता है, पुदीना, अब हमने पुदीना और कड़ी पत्ता हमने यहाँ पे घर पे ही लगा लिया, मतलब खुद ही प्लांट कर लिया क्योंकि वो फिर रहता है पास में। तो सर फिर अब जैसे इसमें तुलसी होती है, तुलसी भी डाल सकते हैं? बिल्कुल, तुलसी है, बेल पत्ती है। अच्छा बेल भी डाल सकते हैं? अच्छा बेल पत्ती भी इसमें डाल सकते हैं, जो बेल जो उनको जो चढ़ती शिव जी भगवान जी को वो भी डाल? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा उसके भी प्लांट डाल सकते हैं। तो सर एक चीज पूछने में, जैसे ना कड़ी पत्ता, तो कड़ी पत्ता थोड़ा सा कड़वा निकला, तो वो फिर खाना चाहिए उसको? मैं तो ऐसे जो पत्ती होती थी मैं उसका रस, क्योंकि ना हमारा पूरा वो ग्राइंड नहीं होता था रस, तो मैं उसको खा लेती थी। नहीं कड़वी वाली पत्तियां नहीं लेनी है। अच्छा कड़वी, कड़वी पत्तियां नहीं लेनी, मीठा नीम बोलते हैं ना कड़ी पत्ता, वो ही इस्तेमाल करना, क्योंकि हमें जो कड़वी चीजें हैं वो औषधि के प्रयोग में आती हैं, उसको रेगुलर यूज में नहीं लेना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि एक कड़ी पत्ता ना थोड़ा सा कड़वा निकला, पहला जो लगते थे वो मीठा था, एक निकला वो बहुत कड़वा है, तो वो मैंने कर लिया तो वो बहुत ज्यादा, मतलब मुझे बहुत कड़वा लगा। वो मत लीजिए। ठीक है, दोपहर में ताजे फल, ताजे सलाद और अंकुरित मूंग से आप अपना लंच कीजिए। ठीक है, ताजे फल, ताजे सलाद, अंकुरित मूंग, स्प्राउट्स, ठीक है ठीक है। और सर सर ये जैसे फ्रूट सैलेड मैं ऐसे ये करती हूँ, जैसे मतलब जूस ले लिया उसके एक माने या टू आवर्स के बाद फ्रूट्स ले लिया, और फिर उसके थोड़ी देर के बाद सैलेड चलेगा ना? ठीक है, वो सैलेड या 4 बजे दो टमाटर, दो करेला और एक खीरा डाल करके जूस बना लीजिए। दो टमाटो, एक कुकुम्बर और एक दो करेला, और दो करेला, ठीक है सर, इसका जूस बना लीजिए। ठीक है, और लगभग एक घंटे बाद 5 बजे के आसपास मन के मुताबिक कोई नाश्ता कर लीजिए। 4 o'clock जूस पीना और 5 o'clock कुछ भी, मतलब जो मन के हिसाब से नाश्ता। यस ठीक है, स्मॉल। अगर आप डिनर भी करना चाहें तो डिनर भी किसी समय कर सकते हैं अगर करना चाहें, नहीं तो रात को 8 बजे अपना डिनर ले सकते हैं। ऐसे सर मैं जनरली डिनर, क्यों मैं यही क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है ना डाइजेशन में, तो मैं जनरली 7 o'clock के अराउंड डिनर ले लेती हूँ। Yes. तो सुबह ऑटोमेटिकली वो 9 o'clock, मतलब वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, 14 hours वाला जो क्लॉक है ना वो 9 o'clock के हिसाब से। और सुबह शाम दोनों टाइम पे ध्यान तो करना ही है। पीएमसी गुजरात के साथ में आप सुबह में 6 बजे भी ध्यान कर सकते हैं ग्रुप में, और रात को 9 बजे भी कर सकते हैं, दोपहर में भी करना चाहें, शाम को भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जी जी जी, हम लोग तो 4-4 सत्र चला रहे हैं आप लोगों के लिए ताकि आप ध्यान दे सकें। बिल्कुल 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 सर, वो तो मुझे काफी ऐसे फर्क तो काफी पड़ा है उसमें, बस यही पूछना था। एक चीज होती है जैसे ना ठंड, जैसे हमारे यहाँ पे ना तो ठंड काफी बढ़ गई है, तो अब जैसे ठंड होती है तो उसमें ये तो नहीं आता कि मतलब जैसे फ्रूट्स वगैरह, डाइट यही प्रॉपर चलेगी ना उसमें? बिल्कुल यही प्रॉपर डाइट रहेगा मैडम। ठीक है सर। सर वेट पैक एक चीज पूछनी है, जैसे मटका जो है वो, क्योंकि मौसम वेदर पूरा चेंज हो गया तो हमने मटका जो है वो मतलब अब अंदर रख दिया है, तो अब नॉर्मली जैसे नलके का जो पानी होता है उसी को ही लगा लें दोपहर में, दोपहर के आसपास जो आपने एक टाइम बोला है? हाँ बिल्कुल मैडम। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट मैडम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जयेश सर आप बात करें, अनम्यूट करें। हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, मैं मुंबई से जयेश शाह, और पीएमसी ग्रुप का और डॉक्टर जी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आप सर, मैंने पहली बार कहीं कोई ग्रुप में लिंक देखा और सडनली ज्वाइंट हो गया और मुझे अच्छा लगा, और जैसे जैसे मेडिटेशन करते गया, आई एम रेगुलर मेडिटेटर, मैं बहुत डीप मेडिटेशन करता हूँ, पर आज एक बहुत अच्छी अनुभूति हुई मुझे, तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करूं। ध्यान करते करते जब आखिरी के चक्र पे आपने जब बात किया, तब मैंने अपने आप को देखा और अपने आप को इनविजिबल देखा, इतना बढ़िया, इतना महसूस हुआ मुझे, अच्छा, लाइक इट वाज सो अमेजिंग फीलिंग। मैं तो बहुत बहुत टाइप के फीलिंग्स किया हूँ मेडिटेशन में, तो ये बहुत अच्छा था, मैं सोचा कि आपसे जरूर शेयर करूं। और आपका ग्रुप के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, सडनली कहीं से ज्वाइन किया, तो मैं जुड़ना चाहूंगा, तो कुछ लिंक भेज दीजिएगा ग्रुप में कहीं, या नंबर दे दीजिएगा कहीं हम ज्वाइन कर सकें। जो आपने लिंक से ज्वाइन किया ना, उसी में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का भी इनविटेशन साथ में ही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डेली लिंक हमारे आते जाएंगे। ग्रुप में रोज हम लोग लिंक डालते हैं अपने चारों कार्यक्रम का, सुबह दोपहर शाम रात। ओके
तो बहुत अच्छा अनुभव रहा, इसलिए मैं जुड़ना चाहूंगा, तो मजा है बस, और कुछ नहीं करना। थैंक यू सो मच जयेश सर, थैंक्स अ लॉट। यस और भी कोई अगर शेयरिंग करना चाहे, शिलू जी अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। अभी वो शंपा मैम के साथ जो हो रहा है ना इनर हीलिंग, वो इनर चाइल्ड हीलिंग वाला, हाँ जी। तो मैं वो कर रही हूँ, तो क्या हुआ ना अभी चार दिन से, तो तीन दिन से मतलब चार दिन आज देता, लेकिन वो यहाँ ये एरिया पूरा थर्ड आई में मेरे को इतना ज्यादा बर्निंग हो रहा है, जैसे आग के जैसा फील होता है, जैसे आग जल रही हो, लपटे हैं ऐसे। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे छू के देखती हूँ कि सच में आग तो नहीं लगी हुई है, मेडिटेशन इतनी ज्यादा ना रहते, जैसे ना फ्लेम ऐसे ऐसे करके कैसे जलती है ना ये कंगारे पे, वैसे ऐसे फीलिंग आती। लेकिन जब अभी मैं आपके साथ मेडिटेशन कर रही थी ना, धीरे 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 करते 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 एकदम कूल हो गया था, मेरे को इतनी देर लगा एकदम अच्छा हो गया, चलो ठीक है। कल मैं मैम से भी शेयर, मैंने मैम से बताया था तो मैम बोले ओके कोई बात नहीं, हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, अच्छा हो रहा है। किसी किसी को वोमिट होके निकलता है, किसी का बर्न होके निकलता है, कोई ऐसा रहे तो। लेकिन आपके साथ करके बिल्कुल कूल हो गया था, लेकिन अभी बैठे 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 वापस चालू हो गया है एकदम। अभी इतना गर्म है जैसे कि फीवर हो, हाथ भी लगाऊं तो उतनी बर्निंग होती है ये। तो मैम बोल रहे हैं हो जाएगा, लेकिन अभी तीन चार दिन बाद में पहली बार इतने मिनट मेरे को शांति मिली थी कि एकदम कूल, इतना आइस जैसा कूल आ गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। Yes, मेरे को लग रहा है कि मैं इसको ही रिपीट करके है ना, जब ज्यादा मेरे को बर्निंग होगी तो मैं इसी को रिपीट करके इसी के साथ करूंगी शायद। श्योर मैम, यू कैन डेफिनेटली, दिस इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। वही आंखें तक जलने लगती है सर, ये एक अलग ही प्रोसेस है, पता नहीं, थोड़ी थोड़ी अभी जैसे कितनी ठंड लगने लग गई कि शॉल ओढ़ने लग गया, इतनी कूलिंग अभी गर्मी लग रही है वापस, धीरे धीरे हीट इतनी बढ़ रही है वहां पे, वही ये एरिया में एकदम ये एक अलग ही टाइप का मतलब। शिलू जी आपका आगना चक्र एक्टिवेट हो रहा है। ओके सर, चलिए, बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही है। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मीनाक्षी जी बात कीजिए। सबसे पहले सर कोटि कोटि नमन आपको, आपने बहुत ज्यादा वंडरफुल मेडिटेशन करवाया सर। मुझे एक्सपीरियंस जल्दी होते नहीं, लेकिन आज वो थर्ड आई जहाँ होती है वहां पे वाइब्रेशन हो रही थी, okay. तो बहुत अच्छा लगा सर मेडिटेशन। सर एक बात पूछनी थी, जो पत्तियों का रस है वो कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए सर पत्तियां? मैडम अडल्ट के लिए 50 ग्राम से 100 ग्राम में आप पत्तियां ले सकते हैं, और फिर अपने ऊपर डिपेंड करता है कई लोगों को, क्योंकि पत्तियां जो है वो कुछ लेक्सिटिव का भी काम करती हैं, पेट भी बहुत अच्छा साफ होता है, अमृत समान है, तो आप अपने हिसाब से 50-100 ग्राम के बीच में लेकर के एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ नहीं, कोई नहीं है, फायदा जरूर पहुंचाएगी, फायदा बहुत है इसका, फायदा बहुत है। ओके सर, सर जैसे बेल, तीन चार पत्तियां मैडम ले लीजिए, बेल पत्ती की चार पत्तियां, तुलसी पत्ती की पांच छह पत्तियां, ऐसे करके ही ना सर। मेन जो है मैडम आप धनिया पुदीना पालक, जो एडिबल लीव्स है ना, जो आराम से मिल जाती हैं मार्केट प्लेस में। ओके सर, तो वो ले लीजिए ज्यादा करके, और उसमें कुछ पत्तियां बेल की, कुछ पत्तियां तुलसी की, कुछ पत्तियां सरगवे की, जो अलग अलग पत्तियां आपके यहाँ पे मिल जाए उनको साथ में समावेश कर सकते हैं। अच्छा थैंक यू सर, थैंक यू। और सर हम मेडिटेशन में सर बैठते हैं तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, उसके लिए सर क्या करें? एक्सपीरियंस से मैडम आपका क्या मतलब है? मतलब कि अनुभव बहुत ज्यादा, जैसे लोग अभी मैम बता रही थी वैसे कुछ खास अनुभव नहीं होता है मुझे। देखिए मैडम मैं आपको अपना बताऊं तो मुझे आज 5 साल हो गए ध्यान करते हुए, और मैं लगभग इतने ही समय से लोगों को ध्यान सिखा भी रहा हूँ। तो मुझे भी कोई विजन्स नहीं आते हैं, मुझे कुछ दिखता नहीं है,
मुझे कोई एक्सपीरियंस जो मतलब थर्ड आई एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं ना, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं होता है। इंट्यूशंस मिलते हैं मुझे, और क्योंकि मन जब खाली होता है जो इनर डायलॉग उस टाइम पे चलता है, ये इंट्यूट होता है, ये आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट होके आप तक बातें पहुंचती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, और इसी चीज से आपके अंदर रूपांतरण आना जरूरी है। क्योंकि थर्ड आई की परफेक्शन जो है, जिसे हम लोग फोर्थ आई बोलते हैं, नॉलेज, वो आप तक पहुंचने लगे तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। कहने मतलब, अगर आपको पहले गुस्सा आता था, अब आपको गुस्सा आना बंद हो गया हो, अगर आप ज्यादा आराम से लोगों से बात कर सकते हो, सेवा दे सकते हो, तो ये सब चीजें आपके अंदर रूपांतरण झलकाती हैं। दिस इज अ बिगर थिंग। प्रैक्टिकल अगर आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो वो ये छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस से बहुत बढ़िया है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। और भी कोई अपनी शेयरिंग करना चाहेगा या कोई बात सबके बीच में रखना चाहेगा तो हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ में हम आज का अपना कार्यक्रम जो है उसे अंत करते हैं, समापन करते हैं। आप सभी लोगों ने अपना आज का कीमती समय निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं ताकि आप लोग भी अपनी तरफ से धन्यवाद दे सकें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सर अब क्लास टीएमसी गुजरात, थैंक यू सर, आपके बिना पक्का मैं सोमवार और गुरुवार आप लोगों के साथ में हमेशा बना रहूंगा। मंडे एंड थर्सडे को आप लोगों के साथ में रहूंगा। 15-17 डेज बहुत लंबा हो गया था, अभी नेक्स्ट सेशन भी हो तो कैसे भी करके थोड़ी देर आ जाया करो। बहुत बहुत करता है सर आपको। इसका मिडिल टिकट है, मीठे हैं। सर ये पीएमसी डेली भी कोई है क्या? सर जैसे पीएमसी गुजरात है वैसे पीएमसी दिल्ली भी है। जिसका ने बिट मेट्रो एक तो जाना होगा सर, सभी जगह पे सभी शहरों से चल रहा है। अच्छा सर, तो सर और ये पीएमसी की फुल फॉर्म था मेट्रो ही काटते पिरामिड मेडिटेशन चैनल नहीं मैं काटूं छोटे भाई। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलिए डिवाइन नाइट टू ऑल। थैंक यू। डिवाइन नाइट, डिवाइन नाइट, डिवाइन नाइट, डिवाइन नाइट, डिवाइन नाइट, डिवाइन नाइट सर, डिवाइन नाइट, love and light, love and light, love and light, divine night, divine night sir, gratitude, 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 thank you sir, thank you sir, thank you sir, gratitude, gratitude, gratitude sir, gratitude sir, gratitude, 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 gratitude. Host, meeting close कीजिए please. पूजा जी, नीलम जी.